Hello everyone, I hope the audio is clear and the video frame you get is clear. Any changes you need, please tell me, and the language you prefer, please text in. You can text in hi and your city. Hello, Seema ma'am. We'll take a minute or two and then we'll start. Okay, now today we are going to do some work with glue gun, right? So for this, obviously you need a glue gun with the glue stick, petroleum jelly, it can be any, or any oil or something. Then the important thing is the glue usually doesn't stick to glass, to metal. It depends on adhesive to adhesive. Ho sakta hai koi koi adhesive stick kar bhi jaye, but usually it doesn't stick to glass, metal, oil, and we use butter paper as well, and we'll obviously grease it. ठीक है, सो प्लीज डू टेल मी योर प्रेफर्ड लैंग्वेज सो दैट आई विल ट्राई टू यूज दैट लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी और मिक्स लैंग्वेज. हेलो सुचिता.
So with butter paper, we're going to start with butter paper. And then grease. जितना आपको बनाना है according to the space. So I'm going to use इतना and plus I am using these hooks. Yes, these are used for jewelry making, danglers. Okay, so two of them. तो कुछ नहीं करना है, वेरी इजी. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज आप जब फिनिशिंग देते हो उसको, ट्राई टू रैप द थ्रेड्स ऑफ द ग्लू. अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है खुद से करने में, यू कैन ट्रेस द डिजाइन एंड देन do. अब when it is wet, जब ये hot है, आप तभी इसमें hooks लगा देंगे. Plus I am going to put little glitter. सो वेरी फाइन मेटालिक पाउडर एक्चुअली जो मैं यूज कर रही हूँ. आप ग्लिटर भी डाल सकते हो अकॉर्डिंग टू योर विश. हेलो ब्रजेश जी, शिक्षिता हेलो. एंड वी विल कीप इट असाइड. ये एक्चुअली ट्रिंकेट बास्केट वी कैन मेक विद ग्लूगन, वी कैन मेक विद मोल्डेड और क्ले, पेपर माशी क्ले. ये वाली पेपर माशी क्ले से बनी है. नाउ वी कम टू ग्लास. उसको हम ड्राई होने देंगे. ग्लास में आई हैव टेकन अ मिरर. यू कैन टेक अ प्लेन ग्लास लाइक दिस, अ प्लेन ग्लास. डिपेंडिंग ऑन योर डिजाइन आप क्या करने वाले हैं. अगेन अगर आपको प्रॉब्लम है, यू कैन ऑलवेज ऑलवेज ट्रेस. ते
takes a little moment for me क्योंकि मेरा थोड़ा सा socket दूर है. Again, you will grease जितनी space में आपको काम करना है. Okay? And then you finish it off. इसको बहुत पतला नहीं रखना. Try to keep as even as possible and ऐसे ऐसे इसको wrap कर देंगे. When you finish, wrap ताकि आपको वो threads नहीं मिले glue के. इसको ये जो इसका trigger है nozzle है, इसको आप थोड़ा सा पहले release कर देंगे. और फिर उसको wrap कर देंगे. So that it comes out neat. Press, 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 release. Okay. So we will leave this also for drying. हम एक और design बना लेते हैं इसमें. ज़रूरी नहीं है आपको मिरर ही लेना है. यू कैन टेक ग्लास एज वेल, प्लेन ग्लास जो अवेलेबल. मीनवाइल द ग्लू गन इज गेटिंग हीटेड. वी विल चेक दीज ड्रॉप्स. आपको कोई कुश्ती नहीं लड़नी है, बट ये बहुत इजीली भी पील ऑफ नहीं होता है एट टाइम्स फ्रॉम सम प्लेसेस. बट आपको बहुत मेहनत भी नहीं करनी पड़ती. यू डोंट हैव टू लिटरली स्ट्रगल विद इट. इट इज ओनली विद लिटिल पेशेंस यू कैन टेक इट आउट इजीली, स्लोली एंड विद पेशेंस. So you get one and you're all artistic, right? तो आप लोग इसको पेंट भी कर सकते हो, इस पर डिजाइंस भी बना सकते हो, मार्बलिंग भी कर सकते हो. दैट इज टोटली ऑन योर इमेजिनेशन. आप इसको प्लास्टिक पे नहीं कर सकते हो बिकॉज इट स्टिक्स. प्लास्टिक स्टिक्स टू हीट. बटर पेपर हम लोग बेकिंग के लिए भी यूज़ करते हैं. सो वी कैन यूज बटर पेपर. वील ग्रीस इट प्रॉपरली और हम यूज़ कर सकते हैं. इवन इफ थोड़ा सा भी अगर निकल जाता है, यू कैन ईजीली रिमूव इट. सो यू गेट वेरी लाइट डैंगलर्स. Thank you.
So this is one project completed. आप कोई भी कलर्स के बना सकते हो. यस, डिजाइंस कर सकते हो, डिजाइनिंग कर सकते हो इसके ऊपर. इसको सील करने के लिए आई विल टेल यू वन ट्रिक. इधर स्प्रे इट, या आप स्प्रे कर दो ट्रांसपेरेंट वार्निश जो होती है, नहीं तो नेल पॉलिश, ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश. इट गिव्स अ ब्यूटिफुल शीन. तो हमारा डैंगलर्स बन गए ऑलरेडी. नाउ वी कम बैक टू दिस. ये जो हमने एक विंडो टाइप कुछ बनाया है, सो जस्ट मेक श्योर यू आर डेलिकेट विद पीलिंग. प्यार प्यार से उसको आराम से निकालिए. Is not very fussy or something. जो joints हैं वहाँ थोड़ा सा delicately work on it with support. It comes out. See, so you get this. I've already made some. तो आपको बताने के लिए कि हाउ टू गो अबाउट इट. नाउ विद दिस आप वापस से यू कैन कीप इट लाइक दिस. ओके, सेम साइज. अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद द साइजेस, विद द शेप्स, यू कैन मेक इट ऑन द ग्लास और अंडर द ग्लास. अब पेस्टिंग के लिए क्या करेंगे, यू विल पुट लिटिल ग्लू गन ग्लू एंड स्टिक. So you have to go a little delicate with this. Okay. If you need support to keep, you can keep it on the greased, close it like this and again stick it. If children use glue gun, it has to be under total supervision because it is really hot, it can burn hand. Please, you also take care.
So you get this delicate thing. Now what is missing is the base. Okay. उसका बेस बनाने के लिए अगेन वी विल टेक दी मार्किंग्स अगर आपके थ्रेड्स बाय चांस आ भी जाते हैं तो व्हेन द थिंग इज कंप्लीटली ड्राई यू कैन कट बट कोशिश करो पहले ही मिनिमम हो So let us wait for it to dry. तब तक हम एक और prepare कर लेते हैं. सपोज मुझे ये ऑनवलप सील करना है राइट एंड आई वॉन्ट टू डू इट वेरी डिफरेंटली सो आई हैव सम ड्राई फ्लावर्स विद मी Mm-hmm.
चलो आई विल टेक वन येलो ठीक है मुझे इस पे सील लगानी है सो आई विल कीप दिस आई विल ब्रिंग my glue okay और एकदम हॉट में नहीं थोड़ा सा इसको हम वेट करेंगे हेलो नीता जी वी आर डूइंग दिस This is the third project we are doing. We have already done the danglers. We are doing the stand, and this is the seal we are. अभी sticky है. थोड़ा इसको set होने देंगे. उसके बाद. Till then we can check this. और ये इसके ऊपर आ जाएगा और ये कैसे आएगा ग्लू गन से ग्लू लगाओ एंड होल्ड इट कुछ सेकेंड्स के लिए टिल इट स्टिक्स So this is the box. You can use it as an organizer, pen stand, या कोई trinket box, या आपके बच्चों के कुछ sharpeners, erasers, rubber bands, कुछ. Any design you can choose. Okay. And we'll wait here to. एंड ये जो हम सील बना रहे थे स्टिकीनेस इसकी कम हो गई तो वी विल प्रेस इट सो वी गेट इट सील्ड ठीक है एक और बार मैं करके बता देती हूँ इसके साइड में ही Okay, I will do it with these small pink flowers.
make a drop. You put the flowers, or alternatively you can put the flowers first and then put the drop. And then wait for it to set. Okay. इसको प्रेस करने से पहले इफ़ यू हैव अ स्टैम्प सील बहुत अच्छी बात है, इफ़ यू डोंट हैव यू कैन यूज़ एनीथिंग फ्लैट. सो आप कोई भी शेप्स ले सकते हो, आप लीफ की शेप भी ले सकते हो. जैसे ये ट्रिंकेट बास्केट है, दिस इज मेड ऑफ क्ले, आप इसको भी ग्लू से बना सकते हो. द ओनली थिंग इज यू हैव टू गिव इट अ लिटिल सपोर्ट. ऑयलिंग करनी है पहले, इसका ये बेस बनाना है और किसी बॉटल को ग्रीस करके उसके साइड साइड में ये बनाओ और फिर निकाल के एंड देन यू हैव टू स्टिक इट ऑल अराउंड. ये बीच बीच में आपको उसके स्टिक करे हुए. सी सो आपने ब्यूटीफुली अपनी एनवलप को सील कर दिया फ्लावर से. यस. So now for this the colouring part. Now comes the colouring part. ये danglers हमने color कर दिए थे metallic powder से जब वो warm था blue, तभी हमने उसको color कर दिया था. Now I'll show you the spraying tool. Make sure when you are spraying your window is open, you are in an open space. ये देखो जैसे मैंने एक लीफ बनाया है, आप ऐसे और लीव्स बना के उनको कलर कर सकते हो. I'm just covering the area. I don't want color to go. Please wear gloves. Mm-hmm.
It takes about 10 to 15 minutes to dry. So we have little time, so ऐसे ही कोई भी चीज का मोल्ड भी बना सकते हो. लाइक आई हैव दिस, व्हाट आई हैव टू डू इज पुट अ लॉट ऑफ पेट्रोलियम जेली. उसमें थोड़ी मेहनत आपको अच्छी से करनी है. और इसको थोड़ा टाइम लगेगा ड्राई होने में और मोल्ड आउट होने में. फ्यू सो जब आप डीमोल्ड करेंगे तो यू विल गेट दैट शेप. जैसे आई विल शो यू, दिस इज अ मेटालिक पीकॉक जिसका हमने इसमें मोल्ड बनाया हुआ है. हेलो प्रियमदा जी, आपकी होली हो गई, होप थिंग्स वर गुड.
ओके सो दिस वॉज द पिकॉक एंड हमने इसके ऊपर ग्लू गन लगाई थी एंड जब ड्राई हो गया तो उसको डीमोल्ड कर लिया तो वापस एक ये मोल्ड आ गया, एक शेप आ गई। जब हम क्ले से काम करते हैं तो हमको बार बार चीज़ें बनानी नहीं पड़ती। सो आई हैव टोल्ड यू सो मैनी थिंग्स टुडे। दीज आर दी डैंगलर्स वी मेड। आप इसमें कोई डिजाइनिंग भी कर सकते हैं ग्लू गन से। दिस इज नाउ ड्राई एन ऑर्गेनाइजर। यस ऐसे ही सिमिलरली आप ऐसे लीफ शेप के वाओ दैट्स सच एन ऑनर कि आपको इतना क्रेज है क्लास में आने का। थैंक यू सो मच। सो ऐसे आप लीव्स और बना के आप ज्वाइन कर सकते हो, जैसे हमने ये ट्रिंकलेट ये बॉक्स बनाया था वैसे ही आप इसको बना सकते हो, ये इधर राउंड और समथिंग। आप किसी अगर आपको जैसे सपोज ये बॉटल है आपको इसमें लगाने हैं तो आप ऐसे 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 एक ज्वाइन करके उसकी बनाई थी जैसे वो करके करके और लास्ट में फिर ज्वाइन कर सकते हैं एंड देन यू कैन पुट सम टी लाइट और कैंडल्स और समथिंग। दिस इज द सील, फ्लावर सील, हमने फ्लावर्स डाले थे तो फ्लावर सील बन गई थी एंड ये अभी ऑलरेडी इट इज नॉट वेरी ड्राई तो इसके लिए हम प्लीज कंटिन्यू, यू कैन सी द वीडियो लेटर एज वेल। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। सो एंड आई हैव टोल्ड यू हाउ टू यूज द स्प्रे पेंट। हम लोग ये क्ले से बना, ये सिर्फ हॉट ग्लू से ही बना सकते हैं क्या? लाइक वी आर डूइंग इट टुडे, वी आर डूइंग इट विद हॉट ग्लू। ऑब्वियसली हमने मोल्ड्स बनाने तो आपको पहले भी बताए थे ना क्ले से, सो मोल्ड्स क्ले से भी बताए थे, हॉट ग्लू से भी बता दिए। This is one of the clay molds. इसको मैं अच्छी से ग्रीस कर लूंगी। Get heated. This I told you, this is with the clay we made. आप इसको hot glue से भी बना सकते हो मगर उसके लिए आपको बहुत patience चाहिए। First you make the base, उसको अलग रख दो, then you make the sides, दो दो parts करके बनाने हैं, चार चार parts करके बनाने हैं, full length बनानी है and then you roll it and you stick वो कर सकते हो। या फिर आपने बेस बनाया और एक बॉटल को ग्रीस करके अच्छी से उसके ऊपर पूरा डिज़ाइन बनाया ताकि वो रोलिंग में आता चला गया। प्लेन बॉटल, यस पेंटेड या कुछ नहीं, प्लेन बॉटल और ग्लास और एनीथिंग ग्रीस्ड एंड देन यू टेक इट आउट। फिर आप बेस और ये डिज़ाइन सारा ज्वाइन कर दो सो यू गेट द ट्रे। So I've told you a lot of things today.
the last जस्ट ग्रीस क्ले के में तो आपको थोड़ा सा टाइम देना होता है. अगर सिलिकॉन का मोल्ड है तो आप थोड़ा जल्दी निकाल सकते हो. I'll show you in the silicon mold. Okay, so this is for the silicon mold. ये देखो ये dry, you get the leaf, glue leaf, और आप उससे अपना कोई भी craft कर सकते हो. Yes, you can paint it, you can spray it. अभी थोड़ा hot है. You can put colors in this, you can put glitter in this. And here you get the eye, glue gun. आपकी resin की नहीं है, ये glue की है. Yes? So I've told you so many projects today. See, this is because this is metallic powder, it is just coming on it. In case you have these threads, agar ho jate, you can always neaten them with your scissors. Koshish karo ho nahi, minimum, but in case you have. So I hope to see beautiful projects, creative thoughts put into बहुत सारे ideas मैंने आपको बता दिए. Jewelry, mold, organizers, seals, to make mold, to demold in so this comes out easily. Okay,
when you need temporary molds for doing some project and you don't want to make them again and again, so here you have this here. So when you put the clay or anything, it will come out. Okay, so I think we are done with. I've told you so many things. Thank you, Shobha ji. Hello. And I'm sorry those who were present and I could not welcome them, so involved with my session. So we've had the danglers, we've had the molding and demolding, we've had the organizer, the seals. Okay, so bye bye for now. Post in your pictures. Thank you so much.